आज 19 मई है और आज के प्रमुख करंट अफेयर को देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, किस राज्य ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना लॉन्च करने की घोषणा की है? तो बता दें, छत्तीसगढ़ ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना लॉन्च करने की घोषणा की है। किस सरकार ने? छत्तीसगढ़ की सरकार ने। 21 मई को इस योजना को छत्तीसगढ़ की सरकार लॉन्च करेगी। कब? 21 मई को। इस योजना के तहत 2019 के खरीफ सीजन में पंजीकृत व उपार्जित रकबे के आधार पर धान, मक्का और गन्ना फसलों के लिए 10,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से किसानों के खातों में सीधे ट्रांसफ़र किया जाएगा। इस योजना से लगभग 18,75,000 किसानों को लाभ प्राप्त होगा। इस योजना के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने 5,100 करोड़ रुपये जारी की है। अब छत्तीसगढ़ के बारे में जानेंगे। छत्तीसगढ़ की स्थापना 1 नवंबर सन 2000 में की गई। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा शहर रायपुर है, जो यहाँ की राजधानी भी है। छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या 28 है, जिसमें से हाल ही में एक नया जिला बना है। छत्तीसगढ़ के गवर्नर हैं अनुसुईया, मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल। छत्तीसगढ़ की सीमा 7 राज्यों से लगती है। कौन कौन से हैं? झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। 1 नवंबर सन 2000 को मध्य प्रदेश के 10 छत्तीसगढ़ी और 6 गौड़ी भाषी जिलों को विभाजित करके इस राज्य का गठन किया गया था। किस राज्य का? छत्तीसगढ़ का। राज्य का सबसे ऊंचा स्थान गौरलता है। यहाँ की प्रमुख नदी महानदी है। महानदी के बेसिन में चावल की व्यापक खेती होती है। सागर बांध यहाँ का प्रमुख बांध है, जो महानदी के ऊपर बना हुआ है। ये बांध छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा बांध है। कौन सा बांध? सागर बांध। हंसो बांध हंसदेव नदी पर स्थित है और दुधवा बांध महानदी पर स्थित है। छत्तीसगढ़ में पूरे भारत की 15% स्टील का उत्पादन करता है। यहाँ का प्रमुख स्टील प्लांट है भिलाई। भिलाई किसके सहयोग से बना है? रूस के सहयोग से बना है। देश का 20% सीमेंट छत्तीसगढ़ से उत्पादित किया जाता है। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा भी कहा जाता है। यहाँ का प्रमुख नृत्य है गोंचा। यहाँ का डांस है सैला डांस, कर्मा डांस और आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2020 के लिए वाइस एडमिरल G.M. हीरानंदानी मेमोरियल रेलिंग ट्रॉफी किसे प्रदान किया गया है? तो बता दें, ये ट्रॉफी लेफ्टिनेंट कमांडर अक्षय कुमार को प्रदान किया गया है। अक्षय कुमार को कोच्चि में दक्षिणी नौसेना कमान के एंटी सबमरीन वारफेयर स्कूल में कमीशन किया गया है। यह पुरस्कार समारोह केरल के कोच्चि के मेरी टाइम वारफेयर सेंटर में आयोजित किया गया था। इस ट्रॉफी की शुरुआत सन 2013 से में किया गया था। युद्धकाल विशेषता कोर्स के दौरान रणनीति में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले अधिकारी के लिए यह ट्रॉफी शुरू किया गया था। G.M. हीरानंदानी 1989 में नौसेना प्रमुख के पद से रिटायर हुए थे। कौन? G.M. हीरानंदानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5वीं बार इजराइल के प्रधानमंत्री के रूप में किसने बहुमत प्राप्त की है? तो बता दें, 5वीं बार इजराइल के प्रधानमंत्री के रूप में बेंजामिन नेतन्याहू ने बहुमत प्राप्त की है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने प्रतिद्वंदी बैनी गेट्स के साथ विवादास्पद पावर शेयरिंग डील के बाद अपने पद पर यह 5वीं बार जीत हासिल की है। बेंजामिन नेतन्याहू आने वाले 18 महीने के लिए प्रधानमंत्री के रूप में काम
करेंगे। इसके बाद 18 महीनों के बाद गेट्स मुख्य प्रतिद्वंदी उनके प्रधानमंत्री का शपथ लेंगे। अब इसराइल के बारे में जानते हैं। यह देश दक्षिण पश्चिम एशिया में स्थित है। यह दक्षिण पूर्व भूमध्य सागर के पूर्वी छोर पर स्थित है। इसके उत्तर में लेबनान, पूर्व में सीरिया और जॉर्डन तथा दक्षिण पश्चिम में मिस्र है। यहाँ के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हैं। राजधानी जेरूसलम है और मुद्रा इजरायली नई सेकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू और कश्मीर बैंक के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो बता दें, जुबेर इकबाल को जम्मू और कश्मीर बैंक का प्रबंध निदेशक बनाया गया है। इन्हें 3 साल के लिए इस बैंक का प्रबंध निदेशक बनाया गया है। इसके पहले जुबेर इकबाल HDFC बैंक के वरिष्ठ उपाध्यक्ष थे। इन्हें RK छिब्बर के जगह पर नियुक्त किया गया है। जम्मू और कश्मीर बैंक का मुख्यालय श्रीनगर में है। इसका गठन 1 अक्टूबर 1938 में किया गया। इसका टैगलाइन है सर्विंग टू एम्पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व संचार और सूचना समाज दिवस कब मनाया गया? तो ये 17 मई को मनाया गया। प्रत्येक वर्ष 17 मई को ही यह दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है, इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य उन संभावनाओं को तलाशना है और जागरूकता फैलाना है जिससे इंटरनेट और अन्य सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से समाज और अर्थव्यवस्था को आगे ले जाया जा सके। इस साल का इसका थीम था कनेक्ट 2030 ICTC फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। इसी दिन 17 मई 1865 को अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की स्थापना का भी वर्षगांठ है। इसी के स्थापना वर्षगांठ में यह मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NRAI ने तकनीकी प्लेटफॉर्म तैयार करने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया NRAI ने अपना खुद का तकनीक प्लेटफॉर्म तैयार करने के लिए फिनटेक स्टार्टअप के साथ समझौता किया है। यह प्लेटफॉर्म NRAI को डिजिटल ऑर्डरिंग, बिल सेटलमेंट, डाइनिंग के लिए ऑनलाइन पेमेंट करने में सक्षम बनाएगा। NRAI के अध्यक्ष हैं रियाज अमलानी। इसका गठन 1982 में किया गया। मुख्यालय नई दिल्ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चीनी लेखक ने अपनी पुस्तक वुहान डायरी डिस्पैचेस फ्रॉम ए क्वारंटाइन सिटी प्रकाशित की हैं? तो बता दें, चीनी साहित्यकार फांग फांग द्वारा यह पुस्तक वुहान डायरी डिस्पैचेस फ्रॉम ए क्वारंटाइन सिटी प्रकाशित की गई है। यह डायरी एंटी ऑनलाइन और सोशल मीडिया पोस्ट का संकलन है जो COVID-19 के दौरान 60 दिनों के लॉकडाउन में लिखे गए हैं। इस पुस्तक का प्रकाशन हाफन नॉन फिक्शन द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली किस प्राधिकरण के द्वारा लॉन्च किया गया? तो बता दें, राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने इसको लॉन्च किया है। यह प्रणाली श्रमिकों के लिए एक केंद्रीय ऑनलाइन रिपोजिटरी है। यह ऑनलाइन पोर्टल प्रवासी श्रमिकों की सुगम आवाजाही के लिए अंतर राज्य संचार में मदद करेगा। इस रिपोजिटरी में नाम, मोबाइल नाम, उम्र, गंतव्य जिला, यात्रा की तारीख और मूल जिले जैसे विवरण होंगे। भारत सरकार ने 1074 से अधिक श्रमिक ट्रेनों का संचालन किया है। इसमें से 80% ट्रेनें उत्तर प्रदेश में आई हैं, उसके बाद बिहार और मध्य प्रदेश का
स्थान है, जिससे यह पता चलता है कि इन प्रदेशों में श्रमिकों की संख्या अधिकतम है। बेरोजगारी से लड़ने में, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेरोजगारी से लड़ने में मदद के लिए भारतीय सेना ने किस स्कीम को लॉन्च किया है? तो बता दें, भारतीय सेना ने टूर ऑफ ड्यूटी बेरोजगारी से लड़ने के लिए स्कीम की घोषणा की है। किसकी? टूर ऑफ ड्यूटी। टूर ऑफ ड्यूटी क्या है? भारतीय सेना में अधिकारियों और सैनिकों के रूप में काम करने के लिए 3 साल की इंटर्नशिप है। टूर ऑफ ड्यूटी उन व्यक्तियों के लिए है जो रक्षा से सेवाओं को एक करियर के रूप में लेने की इच्छा नहीं रखते हैं, लेकिन फिर भी सशस्त्र बलों में रोमांच और रोमांच का अनुभव करना चाहते हैं। यह कदम COVID-19 महामारी के कारण उत्पन्न बेरोजगारी संकट को दूर करने में मदद करेगा। इन उम्मीदवारों के लिए प्रवेश मापदंड में कोई ढील नहीं दी जाएगी। इस योजना के तहत व्यक्ति द्वारा की गई कमाई को कर मुक्त बनाया गया है। ये थे आज के हमारे प्रमुख करंट अफेयर। हमारे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, तथा इसका PDF लिंक नीचे दे दिया गया है। धन्यवाद।